हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। तो करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। और आज है 15 सितंबर, लाइक बोले तो भाई का बर्थडे आज। थैंक यू भाई। तो भाई अभी मैं निकला हूँ ऋषिकेश से, पहले मैं जा रहा हूँ सुरगंडा मंदिर दर्शन करने। तो अभी तो अकेला ही हूँ, खैर अभी तो कोई नहीं, बाकी अगर कोई आएगा तो रास्ते में दोस्त यार मिल जाएंगे, वैसे तो कुछ पता नहीं है। और अभी किसी को पता भी नहीं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो भाई चलते हैं, पहले दर्शन वर्शन करते हैं, उसके बाद आज का प्लान देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके आगे का भी प्लान मैं आपको बताता हूँ। भाई आज बारिश हुई थी, और मतलब कल रात से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है मॉर्निंग तक, और मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, वहाँ यहीं से पहाड़ देखो पूरा कोहरे कोहरे छाए हुए हैं। मतलब मुझे लग रहा है आगरा खाल और चंबा तो पूरा कोहरे से पैक होगा। हाँ पक्की बात भाई, ऐसी हालत खराब हो गई। एक्चुअली मैंने अभी इधर मोड़ काटा तो सीधा मेरा जो पीछे वाला टायर था बड़ा हम करके पूरा फट गया यार। फिर सारा सामान निकाला गाड़ी से, फिर टायर चेंज करा, और हाथ की भी ऐसी तैसी हो गई, कपड़ों की भी ऐसी तैसी हो गई, गंदे हो गए। अब एक कहीं से सेकेंड हैंड टायर खरीदना पड़ेगा भी नया। तो भाई फाइनली 3 बज रहे हैं और मैं मंदिर पहुंच गया, गाड़ी लगा दी नीचे, ये चढ़ रहा हूँ मंदिर की तरफ। भाई इतनी ठंड लग रही है ना, इतनी ठंड, मैंने तो जैकेट पहन ली, हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ठंडा हो रखा है सिस्टम। ट्रॉली तक नहीं पहुँचा अभी तक, और सांस इतनी भयंकर फूल गई, क्या बताएं। खैर छोड़ो, व्यू देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन हर जगह। भाई आगे सारे बैठ गए हैं और मेरे को मिला है पूरा ही अकेला, अकेला में कोई भी नहीं है ट्रॉली में, अकेला हूँ। अब चलते हैं ट्रॉली के मजे लेते हुए ऊपर। तो भाई टिकट तो मैं तुम्हें बताने भूल गया, टिकट है 205 रुपये की इसकी ट्रॉली की, और सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती है, 5 बजे के बाद ट्रॉली बंद। देखो जैसे चल रही है, खैर मैं तो कई बार आ गया ट्रॉली में, कम से कम 7-8 बार तो आ ही गया हूँ। आगे देखते हैं व्यू। दर्शन हो गए एकदम बढ़िया वाले, और देख लो अंदर तो कैमरा ले जाने नहीं देते, इसलिए जा नहीं पा रहा, बाकी चलते हैं। अब हो गए टाइम, क्योंकि हो गया 3:30। तो गाइस बर्थडे हो गया था मेरा कल ख़त्म, कल हमने बहुत इंजॉय करे। आज मैं हूँ हर्सिल में, हर्सिल आया हूँ, यहाँ राकेश भाई ने मेरी इधर गाड़ी लगवाई है, क्योंकि ये बेस्ट जगह है, वैसे किसी को अलाउ नहीं है यहाँ, ये देखो पूरा पुल बंद कर रखा है, लेकिन यहाँ कुछ बकरी वाले हैं, वो राकेश भाई के दोस्त हैं, तो उनके साथ इधर बैठते हैं, आज पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं। ये है गंगा जी, गंगा जी के दर्शन कर लो, जय हो गंगा मैया की जय। ये पुल भी पूरा टूटा हुआ है भाई, ये तो हिल रहा है पुल। और यही थोड़ा चिकन विकन बनाते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद देखो हर्षल, अभी दोस्त को फोन करता हूँ, हर्षल जाऊँगा थोड़ा उससे मिलने। बस व्यू देखो, व्यू आगे देखो, कुत्ते आए हुए हैं, बकरी वालों के कुत्ते। ये देखो गाइस, बकरियाँ प्यारी 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 बकरियाँ, बच्चे छोटे छोटे सारे ब्लैक कुत्ते, वो देखो 1, 2, 3, और एक वाव वो खड़ा हो टोल पे, टोल की पर्ची काटने के लिए, और एक गिरा, ये तो लेडी है। देखो भाई साहब, ये पहलवान जी यहाँ बैठे हुए, अरे फोक जम गया, एक सेकेंड। आपने नाम वाम रखे हुए कि नहीं? कुछ भी बोला नाम, तुम वो कर, नाम करने दे उसका। मैंने तो भाई, ये है डेरे में आशीष, आशीष तेरी उम्र कितनी है? 14 साल का लौंडा भाई, देख लो बकरियां चराता है, 2 लाख का मालिक है, मालिक तो खैर बहुत बड़ा, और आगे और भी ज्यादा कई करोड़ का मालिक बने, हम तो कह रहे हैं हमारा भाई। क्यों, कितना टाइम हो गया तेरे को इस काम में? 1 साल। 1 साल हो गया, बताओ भाई, देख लो इतना छोटा सा बाड़ा किन जंगलों में रह रहे, ये तो बहुत नॉर्मल है, अभी वो खाका रहता है वो चीज़ अलग है। ये बड़े भाई जी हमारे, ये तो उत्तरकाशी के इधर के ही है, 28 किलोमीटर से गंगोरी। अच्छा 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 डर गए।
तो भाई इनकी वैरायटी ये देखो, सारे ब्लैक है सारी। अभी नया कुत्ता लाए हैं, ये तो घर का पाला हुआ लग रहा है यार। अभी 4 महीने का है ना। हाँ ये देखो ये घर का लग रहा है। और ये देखो ये सारे बकरी वालों के सारे ब्लैक, सारे ब्लैक। एक और पुल पे उधर वो दे रहा फुल ड्यूटी। आ जाए शिमली मेरी बच्ची। इतनी प्यारी जगह ना, इतनी प्यारी जगह कि मजा आ गया इधर तो यार। ना हाँ उसको डांट रहा है, उसको डांट रहा है वाला। हाँ मिली जा सकल। ये लग रहे वीआईपी आदमी भाई। देखो इन्हें भाई अगर शैम्पू कर दिया ना इन पे तो इतने चमकेंगे रात को भी कि क्या बताए। मंत्री जी की दाढ़ी का कलर और इनका कलर। एक्चुअली मैं बताना भूल गया, मंत्री जी आए थे मेरे से मिलने तो चिन्याली सॉल्ट इनकी गाड़ी लगी, फिर ये मेरी गाड़ी में आ गए मेरे साथ आगे। भाई देख लो सारे भाई जी इधर पानी वाली के लिए उतरे हैं। ये और आगे का व्यू देखो यार, ऐसे निकल रहा है कोहरा कोहरा की पूछो मत। तो भाई मंत्री जी की हरकतें देख लो यहाँ बच्चों को। भाई वो मिट्टी जो सिखाई थी आपको, मिट्टी उठा के डालनी है। हाँ ये देखो अभी एकदम से सारे इकट्ठे हो जाएंगे देखो। हाँ ये राकेश भाई बटवाड़ी पे है, राकेश भाई की दुकान के बाहर हम। राकेश भाई का मुर्गी फार्म है वहाँ, देखो कितने बच्चे हैं। कौन से पकड़ो, ये की है? ये बड़े वाले, ये लौंडा पकड़ो ना ये। हाँ मुर्गा हाँ भाई उसके सामने झाड़ो, उसकी आंखें उधर होनी चाहिए। हाँ जैसे वो नीचे देखे सीधा मुंडी ओके। तुम्हारे बस की नहीं है मंत्री जी। हाँ बस 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 वेरी गुड। इधर लाओ, हाँ इधर लाओ, इधर लाओ। तो गाइस हम निकल गए हैं अर्सिल से, पीछे मंत्री जी की गाड़ी, वो जो लाइट जल रही है वो मंत्री जी उस गाड़ी में है। और अभी रात के बज रहे पूरे 12, एकदम करेक्ट 12 बज गए हैं। तो भाई अब ऋषिकेश पहुँचते हैं और ये वाला ब्लॉग यही खत्म करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।